Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कहा जाता है कि जो क्राइम रेट है वो कहीं ना कहीं कम होता नजर आ रहा है, लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्राइम रेट हमें लगता है कि कुछ ज़्यादा ही बढ़ता नजर आ रहा है। जिस तरीके से प्रशासन जो है लोगों को इनकाउंटर करके अपराधियों को सख्त बनाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं पर कुछ ऐसे भी इनकाउंटर सामने आए हैं जिसको लेकर लोगों के जहन में एक अलग सा सवाल उत्पन्न हो रहा है। इसको लेकर कहीं ना कहीं लोग जो है सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से एक मामला हुआ था कानपुर में जो मामला हुआ था जिसमें हमारे देश के यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस के डीएसपी समेत 8 जवान शहीद हो गए थे, उसके बाद से कहीं ना कहीं पुलिस को लेकर भी लोग जो है अपने विचार पेश करने लगे। लोग कहने लगे कि यूपी की पुलिस इतनी मजबूत है कि एक अपराधी के हाथों से डीएसपी समेत सीओ समेत कई ऐसे बड़े आला अधिकारी हैं जो कि एक अपराधी द्वारा मार दिए जाते हैं, जिसके बाद से यूपी में प्रशासन में हड़कंप मच गया और यूपी की राजनीति में भी हड़कंप मच गया और लोग अपने अपने विचारों से जिस तरीके से पुलिस की जो स्थितियां हैं उसको बखूबी रख रहे हैं और लोगों के बीच पेश कर रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे जिस तरीके से विकास दुबे का इनकाउंटर कर दिया गया उसको लेकर लोगों के जहन में पहले से ही ऐसे सवाल उत्पन्न हो रहे थे कि कोई भी कुछ भी हो जाए जब विकास दुबे गिरफ्तार होगा तो योगी सरकार उसको मार देगी। हालांकि ऐसे सवाल जो हैं लोगों के बीच उत्पन्न हो जाए ये कैसे हो सकता है और लोग जो हैं भविष्य की स्थिति को अपने तरीके से एनालाइज कर लोगों के बीच पेश करने लगे ये कैसे संभव है, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपकी असफलता है, आपकी विफलता है और आपके पुलिस प्रशासन की जो कमियां हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच आ गई है, जिसको लेकर यूपी पुलिस को जिस तरीके से लोग जो है बहिष्कार कर रहे हैं और लोग विरोध भी जता रहे हैं। हालांकि अपराधी है उसको दंड की सजा देनी चाहिए, लेकिन उसके लिए भी नियम कायदे हैं और उस नियम के तहत अगर अपराधियों को सजा दी जाती है तो शायद पुलिस प्रशासन का जो काम होगा उससे बेहतर नहीं हो सकता है। जी हाँ, हम बात करेंगे विकास दुबे के बारे में, जिस तरीके से उन्होंने अपने लोगों के साथ मिलकर 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया और खुद फरार हो गया। उसको पुलिस ढूंढते रह गई लेकिन यूपी पुलिस इतना भी सफल नहीं हो पाई कि उसको ढूंढ पाए। और आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ अपने छाती पीट कर कहते हैं कि हमारे जो प्रदेश की स्थिति है काफ़ी बेहतर है और एक ऐसे कुख्यात अधिकारी जो कि 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया उसको पुलिस यूपी की पकड़ तक नहीं पाई, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूपी का जो पुलिस प्रशासन जो व्यवस्था है वो कितना मजबूत है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रेशर बनाया जा रहा था, दबाव बनाया जा रहा था और कहीं ना कहीं विकास दुबे को भी डर था कि हमें अगर यूपी पुलिस पकड़ती है तो इनकाउंटर कर देगी और उनके साथियों के साथ ऐसा भी हुआ। उनके लगभग 5-6 जो साथी थे, उनके जो नज़दीकी थे, उनके जो करीबी थे, उनके साथ जो मिलकर काम करते थे वो कहीं ना कहीं पुलिस के हाथ चढ़े, यूपी पुलिस के हाथ चढ़े और वो इनकाउंटर के दौरान मारे गए, लेकिन विकास दुबे यूपी से फरार हो गया। और आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा आपराधिक मामले होने के बावजूद जिस तरीके से एसटीएफ से लेकर पूरे यूपी की जो फोर्सेज है वो कहीं ना कहीं तैनात कर दी गई थी, उसके बावजूद भी यूपी का बॉर्डर को सीमा को लांघते हुए वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में प्रवेश कर गया, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं उस कुख्यात अधिकारी के पीछे बड़े लोगों का ज़रूर हाथ था, चाहे वो पुलिस अधिकारी हों या फिर सफ़ेद पोशाक लोग हैं। उज्जैन में पकड़ा गया और उज्जैन में मामूली एक जो होमगार्ड की नौकरी करते हैं, जो वहाँ पे प्राइवेट सिक्योरिटी के तौर पे वहाँ पे जो पुलिसकर्मी काम करते हैं उन्होंने दबोच लिया विकास दुबे को और उसके बाद से विकास दुबे ने चिल्लाया कि मैं ही हूँ विकास दुबे जो कि कानपुर, इसलिए वो चिल्लाया ताकि वहाँ पर उनका इनकाउंटर ना किया जा सके। पुलिस गिरफ्तार कर ली और उज्जैन में गिरफ्तार करने के बाद जिस तरीके से ये मामला लोगों के सामने आया और ऐसा कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं विकास दुबे को ये खौफ था कि अगर यूपी में हम पकड़े जाते हैं तो हमें इनकाउंटर कर दिया जाएगा, इसलिए वो मध्य प्रदेश के
उज्जैन महाकाल मंदिर में जाकर अपनी गिरफ्तारी करवाई या फिर इसके पीछे भी क्या कुछ प्लानिंग थी, खैर ये आप समझदार हैं और इसको आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन उसके बाद से गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स जो कि हर प्रकार के चीज़ों के लिए, हर प्रकार के कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज कठिनाइयों के लिए जो हमेशा तैयार रहती है, तत्परता के साथ काम करती है और लोगों को अपने कहीं ना कहीं प्रयासरत के माध्यम से लोगों के बीच एक अलग मुकाम बनाती है। ओएसटीएफ की जवान अपने गाड़ियों से चलती है विकास दुबे को कानपुर लेकर चलती है और उनके साथ 3-4 गाड़ियों का काफिला होता है जिसमें उनके स्पेशल ऑफिसर्स होते हैं, बड़ी बड़ी पुलिस अधिकारी होते हैं और उनके साथ फोर्सेस होती है। लेकिन जिस तरीके से ऐसा कहा जा रहा था कि उनकी गाड़ियां बदल दी गई, मीडिया कर्मियों को 2-3 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया और गाड़ी ऐसे जगह पे पलटी जहां पर कोई निशान नहीं कि आखिरकार गाड़ी कैसे पलट गई। उसके बाद से खबर आई कि विकास दुबे जो है एनकाउंटर में मारा गया, गाड़ी पलट गई थी। इसके बाद से पुलिस कर्मियों पर जिस तरीके से हमला किया, उनके राइफल छिले और भागने की कोशिश की, जिसके बाद से पुलिस ने उन्हें मार दिया और एनकाउंटर में विकास दुबे को ढेर कर दिया गया। उसके बाद से जो लोग पहले ही स्ट्रीट को ट्वीट कर चुके थे अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, वो लोग भी अपने ट्वीट को रीट्वीट करने लगे और बताने लगे कि देखिए हमें पहले से ही ये पता था कि विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया जाएगा। हालांकि जो कहानी थी ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी और कहानी किस तरीके से गढ़ी गई थी, ये सबके जहन में ये कहीं ना कहीं सवाल उत्पन्न होते हैं कि क्या उतने गाड़ियों में से इन्हीं की गाड़ी जो है खराब हुई थी या फिर इन्हीं की गाड़ी पलटी थी। क्या हमारे एसटीएफ के जवान इतने कमजोर हैं कि एक विकास दुबे जैसा अपराधी जो कि अपने हाथ जो है उसके खाली रहते हैं, उसके बावजूद जो है वो पुलिसकर्मी के बंदूक छीन लेता है। आप सोच सकते हैं कि इससे कितने बड़े सवाल उठते हैं एसटीएफ के जवानों के लिए और यूपी के जो कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी हैं उन पर ये कितने बड़े सवाल उठते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है जब भागने की कोशिश कर रहा था, जब भाग रहा था तो उसको पीछे से, जब गोली भाग रहा था तो पीछे से गोली लगती लेकिन सीने से आगे तरफ से गोली लगी है। तो आप बखूबी इस मसले को समझ सकते हैं और आपको समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप ही लोग हैं जो ऑलरेडी पहले ही ट्वीट करके बता देते हैं कि इनका जो है मामला शांत होने वाला है। लेकिन इसको लेकर जो है लोगों के मन में एक अलग विचार हो रहा है, क्योंकि जो हमारे देश की न्यायपालिका है क्या उस पर लोगों को भरोसा नहीं है, या फिर जिस तरीके से योगी सरकार में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और लोगों के जहन में सीधा सवाल उत्पन्न होता है और संदेह के घेरे में जाता है, तो ये कहीं ना कहीं देखना दिलचस्प होगा कि क्या यूपी की राजनीति में कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे अपराधियों का समर्थन करते हैं, या फिर यही एक कारण रहा होगा जिसके चलते ये भी कहा जा रहा है कि उसको जो है रास्ते में ही निपटा दिया जाए ताकि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। शायद इसी कहावत के साथ इस कहानी की हम समाप्ति करते हैं। और आपकी क्या विचार है, क्या एनकाउंटर है या फिर ऐसे अपराधियों को ऐसे ही मानना चाहिए या फिर न्यायपालिका का सहयोग लेना चाहिए ऐसे अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए, और उनके साथ जो जुड़े लोग हैं और उनके समर्थन में जो लोग पीछे से समर्थन करते हैं, क्या उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए? आपकी क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर दें और चैनल पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जुड़ जाएं। धन्यवाद। To our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.